Good morning class. This is our new ANA physio class in which we will study about the last topic of digestive system, that is digestion and absorption. देखो हमने सारे functions पढ़ लिए, हमने GI का motility का function पढ़ लिया, हमने secretory function भी पढ़ लिया, अब digestion absorption भी पढ़ ही डालते हैं और ख़त्म करें इस chapter को, काफ़ी लंबा खिंच गया ये chapter अपना, है ना। तो देखिए digestion absorption, एब्जॉर्प्शन डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें फूड को हम स्मॉल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उस एसेंशियल प्रोसेस को अपन डाइजेशन कहते हैं। फूड को स्मॉल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के एसेंशियल प्रोसेस को ही हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन दो तरह का होता है, मैकेनिकल और केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन मैस्टिकेशन और स्वेलोइंग के द्वारा होता है, जबकि केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स के द्वारा होता है। सेकेंड प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल को गट की ल्यूमन से ब्लड स्ट्रीम में या लिम्फेटिक वेसल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पहले तो फूड को डाइजेस्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में, और फिर वो जो सिंपल फॉर्म में स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं उनको गट की ल्यूमन से ब्लड स्ट्रीम या लिम्फेटिक वेसल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब केमिकल और मैकेनिकल डाइजेशन देखिए, इसमें एसिड और पेप्सिन दोनों मिलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। एसिड कौन सा? HCl, और पेप्सिन तो एंजाइम है ही, ये दोनों मिलकर के गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे, जिससे कि केमिकल डाइजेशन होता है प्रोटीन का। जबकि स्टमक के मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जैसे पेरिस्टासिस, यही होता है कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, उसके द्वारा कौन सा प्रोसेस चलता है? मैकेनिकल डाइजेशन चलता है। तो यहाँ पर मैकेनिकल केमिकल दोनों डाइजेशन बताए गए हैं। ये तो स्टमक का बताया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन फूड का होता है। ये प्राइमरी साइट है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की। डाइजेशन GI की ल्यूमन में होता है सीक्रेटेड एंजाइम्स के द्वारा, और इलेक्ट्रोलाइट की सरफेस पर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स के द्वारा। GI की ल्यूमन में तो सीक्रेटेड एंजाइम्स के द्वारा, और एराइथ्रोसाइट्स की सरफेस पर मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। जबकि एब्जॉर्प्शन सिंपल डिफ्यूजन से, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, एंडोसाइटोसिस से और पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट से चलता है। एब्जॉर्प्शन में ये स्टेप्स या ये प्रोसेस होता है, पहला सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको पता है भाई, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना, तो सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये पढ़ा चुके मैं आपको, ट्रांसपोर्टेशन नाम के टॉपिक में क्लास में पढ़ाया था मैंने, ब्लैक बोर्ड पे समझाया था ये प्रोसेस। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में देखो, एक्टिव सिंपल डिफ्यूजन तो पैसिव डिफ्यूजन या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का एक पार्ट होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन, और तीसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन जिसमें ATP रिक्वायरमेंट होती है। एंडोसाइटोसिस में फूड पार्टिकल्स वगैरह को अंदर ले लिया जाता है सेल के द्वारा, अपने अंदर एंगल्फ कर लिया जाता है, वो एंडोसाइटोसिस होता है। और फिर पैरासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, इसके द्वारा एब्जॉर्प्शन चलता है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सटेंसिव फोल्डिंग की वजह से। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है ना, जिसको अपन विल्लाई कहते हैं, और इसके ऊपर माइक्रो विल्लाई पाया जाता है, जिससे कि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये सरफेस एरिया जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। अब इस डायग्राम के अंदर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा दिखाई गई है, तो आप देखिए ये विल्लाई, ये मस्कुलर लेयर, ये अंदर की तरफ विल्लाई है, अंदर ये पूरी होलो ऑर्गन जो ल्यूमन बना रही है, ये लीवर वगैरह में हिपैटिक पोर्टल वेन है, लीवर वगैरह में जा रही हैं जो, ये लैक्टियल दिखाया गया है सेंटर में, जिसके दोनों तरफ आर्टरी वेंस दिखाई गई है विल्लाई में, ये ल्यूमन, फिर इसको और बड़ा करके दिखाया गया है एपिथीलियम को, और ऊपर उसके माइक्रो विल्लाई दिखाई गई है, विल्लाई के ऊपर माइक्रो विल्लाई। ये इंटेस्टाइनल विल्लाई देखिए, मस्क्यूलारिस म्यूकोसा, उसके ऊपर लैमिनिया प्रोप्रिया है, और उसके अंदर से क्रिप्ट ल्यूमन आ रही है, एंडोक्राइन सेल्स जिस पे लगी पड़ी हैं, और ये ऊपर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हो जा रही है जो विल्लाई बना रही है, जिसमें एब्जॉर्प्टिव सेल्स और गॉबलेट सेल्स होती है। गॉबलेट सेल्स म्यूकस को रिलीज करती है, और एब्जॉर्प्टिव सेल्स ऑब्वियस एब्जॉर्प्शन करेंगी। अब सबसे पहले वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे चलता है, जैसे ही आपने पानी पिया, इनपुट मुँह से लिया, फूड और ड्रिंक को मुँह से ले रहे हैं, तो 2 लीटर इसमें बताया गया है फूड और ड्रिंक से आ जाता है पानी, लगभग आप ले लेते हैं। 1.5 लीटर सलाइवा से, जो सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता है, फिर 0.5 लीटर बाइल, जो लीवर से सीक्रेट होता है, 2 लीटर गैस्ट्रिक सीक्रीशन से, 1.5 लीटर पैनक्रियाटिक सीक्रीशन से, फिर 1.5 इंटेस्टाइनल सीक्रीशन से,
और 9 लीटर टोटल इनपुट ल्यूमन के अंदर इस तरह से आ जाता है टोटल। एब्जॉर्प्शन में 7.5 लीटर स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है, 1.4 लीटर लार्ज इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, रिमेनिंग एक्सक्रीट हो जाता है 0.1 लीटर तो फीसेस में, और 9 लीटर रिमूव फ्रॉम ल्यूमन। तो कैसे वाटर आया और कैसे वाटर निकला, लेफ्ट साइड आना और राइट साइड में निकलना दिखाया गया है। तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन है। यहाँ पर देखिए 2 लीटर मैंने कहा ना लिया, यानी 2000 ml भी उसको बोल सकते हो, 1500 ml सलाइवा से आया, 2 लीटर वापस गैस्ट्रिक सिक्रीशन से आ गया, 500 यानी आधा लीटर बाइल से, 1500 ml पैनक्रियाटिक सिक्रीशन से, 1500 ml इंटेस्टाइनल सिक्रीशन से, सब जगह से आया 850 ml लगभग 8.5 लीटर यहाँ पर ये एब्जॉर्ब हो रहा है, 400 ml और नीचे लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह में, फिर 100 ml जो है वो एक्सक्रीट आउट हो गया। अब कार्ब का डाइजेशन देखिए, ग्लूकोज का पॉलीमर जैसे स्टार्च ग्लाइकोजन वगैरह, एमाइलेज यानी सलाइवरी और पैनक्रियाटिक से जो एमाइलेज रिलीज हो रहा है वो इसको तोड़ने का काम कर रहा है। कैसे, फिर आगे देखिए, ये जब टूटा तो ये डाइसैक्राइड में टूटा, डाइसैक्राइड में माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज हो सकते हैं, माल्टोज को माल्टेज तोड़ेगा 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, सुक्रोज को सुक्रेज 1 ग्लूकोज 1 फ्रक्टोज में तोड़ेगा, और लैक्टोज को लैक्टेज 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज में तोड़ेगा। अब कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन देखिए, इंटेस्टाइन की ल्यूमन दिखाई गई है, ये इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप चल रहा है जिसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज जो है अंदर जा रहे हैं, कैपिलरी में घुस रहे हैं, इसी तरह से फ्रक्टोज भी कैपिलरी में जा रहा है। ये एंटीरोसाइट्स है जो कि ग्लूकोज गैलेक्टोज को सोडियम डिपेंडेंट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस द्वारा एब्जॉर्ब करता है, जबकि फ्रक्टोज है वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ देखो कोई सोडियम पोटेशियम नहीं है फ्रक्टोज के पास में, सिर्फ ग्लूकोज गैलेक्टोज के साथ में ये दिखाया गया है। अब प्रोटीन का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन देख लीजिए भाई, प्रोटीन ओरल कैविटी से ईसोफेगस में गया, ईसोफेगस से स्टमक में गया, तो पेप्सिन ने उसके ऊपर एक्ट किया और प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पॉलीपेप्टाइड में। ये जब पॉलीपेप्टाइड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो वहाँ पर ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसको शॉर्ट पेप्टाइड्स अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। अब यहाँ पे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा और ब्लड स्ट्रीम दिखाई गई, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में प्रोटीन्स पेप्टाइडेज के द्वारा एक्ट हो रहा है, वो प्रोटीन के और पेप्टाइडेज एक्ट कर रहा है, ये इंटेस्टाइन की दिखाई गई है, विल्लाई वाला पार्ट माइक्रोविल्लाई वगैरह जिसे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, को ट्रांसपोर्ट होता है प्रोटीन्स टूट करके अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड फिर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और को ट्रांसपोर्ट से गया कैपिलरी में, ये अमाइनो एसिड घुस गया। अब प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन, ये पूरा पूरा प्रोटीन जो है वो उसका एंडोसाइटोसिस हो जाता है, यानी अंदर ले लिया जाता है, या अमाइनो एसिड और डाई और ट्राईपेप्टाइड सोडियम डिपेंडेंट एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा मूव कर रहे हैं, जो अपन ने पहले भी बोला था, मैंने आपको बताया था प्रोटीन से पेप्टाइड बढ़ा ल्यूमन में, पेप्टाइड से डाई पेप्टाइड ट्राईपेप्टाइड अमाइनो एसिड और स्मॉल पेप्टाइड्स बने, स्मॉल पेप्टाइड का तो एंडोसाइटोसिस हो गया और अमाइनो एसिड का सोडियम पोटेशियम पंप से, डाई ट्राईपेप्टाइड का प्रोटोन पंप से ट्रांसपोर्टेशन देखो दिखाया गया है। इसको खुद से समझने की कोशिश करो, ये आ जाएगा समझ में, इजी है प्रोसेस। अब फैट का डाइजेशन देखो, ट्राइग्लिसराइड्स दिखाए गए हैं, ये टूटे किस में, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड के साथ में, देखो लाइपेज के द्वारा ये टूटा, यहाँ मोनोग्लिसराइड और फ्री फैटी एसिड बने, कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स जो हैं वो कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज द्वारा कोलेस्ट्रॉल में टूट रहे हैं, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलाइपेज के द्वारा फॉस्फेट और फैटी एसिड में टूट रहे हैं। तो ये फ्री फैटी एसिड जो है ये मोनोग्लिसराइड दिखाए गए हैं फैट में। अब लिपिड का एब्जॉर्प्शन वो तो डाइजेशन था, अब लार्ज फैटी मॉलिक्यूल ल्यूमन के अंदर लाइपेज कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज और फॉस्फोलाइपेज द्वारा फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल और मोनोग्लिसराइड में टूट रहे हैं, बाइल सॉल्ट के द्वारा ये गए मिसल्स मिल जाते हैं और वहाँ पर जा रहे हैं इंटेस्टाइनल की एपिथीलिया में। देखिए यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जहाँ पर ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज फॉस्फोलिपिड्स वगैरह मौजूद हैं, गोल्जाई के अंदर ये पैक्ड होते हैं काइलोमाइक्रॉन के रूप में या VLDL पार्टिकल्स के रूप में, और इसका एक्सोसाइटोसिस होता है यानी सेल से बाहर निकाल दिए जाते हैं। वहाँ जब वेसल्स में ये गए बाहर निकाल दिए तो कहाँ गए, ब्लड वेसल्स में जहाँ काइलोमाइक्रॉन या VLDL पार्टिकल्स दिखाए गए हैं, ये एपोप्रोटीन पार्ट है, ये इसका एपोप्रोटीन आपने पढ़ा है, आपको बायोकेमिस्ट्री में चीज़ें पढ़ाई गई है, पोरस वीनस सिस्टम लिम्फ वेसल्स के साथ में इसका दिखाया गया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे फैट एब्जॉर्ब हो रहा है।
तो ल्यूमन से इंटेस्टाइनल की एपिथीलिया, एपिथीलिया से वेसल में। बस हो गया भाई आपका जीआई सिस्टम कंप्लीट। बस अब इससे ज़्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ लिया अपन ने भाई डाइजेस्टिव को, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। इसमें सारा कंप्लीट हो गया, सारा प्रोसेस डायग्रामेटिकली पूरा मैंने समझा दिया है आपको। जो भी मेथड अच्छा लगे, इजी लगे, एग्जाम में लिख करके आओ, पर लिख करके आना, पेपर खाली मत छोड़ करके आ जाना। जितना पढ़ा है सब कुछ पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़िए, याद करिए, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।